बायएनडी न्यूज़, आप देख रहे हैं बायएनडी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। सुरक्षा अभियान के तहत आज मीरा भाईंदर में शांति सेवा फाउंडेशन ने एक नुक्कड़ नाटक कर लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु मार्गदर्शन किया। आपको बता दें कि ये संस्था कई सालों से गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य कर रही है। कुछ दिन पहले इसी संस्था ने बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाकर कई बच्चों को मुफ्त चेकअप किया था। हमसे बात करते हुए नीलम तेली ने अपनी संस्था के बारे में जानकारी दी। वहीं लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि जनता को आगे आकर इन तरह के बच्चों की मदद करनी चाहिए जो पढ़ना तो चाहते हैं पर उनके पास कोई जरिया नहीं है। संस्था से जुड़ी महिला ने अलग अलग समय पर किस किस तरह का समाज हेतु कार्य करते रहते हैं इसका विवरण दिया। आइए जानते हैं संस्था की कहानी, संस्था की जुबानी। कार्य में उपस्थित रहे ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक रमेश भामे, पुलिस उप निरीक्षक मंगेश कड़, सह पुलिस निरीक्षक एम जी पाटिल, सुधीर पाटिल, समाज सेवक कैप्टन शर्मा। आज जो हमारे, मैं नीलम तेली शांति सेवा फाउंडेशन की फाउंडर और शांति सेवा स्ट्रीट स्कूल की प्रणेता, आज हमारे स्ट्रीट के स्कूल के बच्चों ने जो अपना 32वां रास्ता सुरक्षा अभियान चल रहा है उसमें कानून को मदद करने और एक मैसेज पहुंचाने के लिए ये नुक्कड़ नाटक का प्ले किया था कि जहां पे लोगों को मैसेज मिले कि रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, बच्चे को ये समझ, क्योंकि बड़े लोग जल्दी समझ नहीं पाते, पर हमारा मानना है जैसे ऐसे प्ले होते हैं, नाटक होते हैं तो लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो हमने एक कोशिश की छोटी सी ये बच्चों के द्वारा, और हमारे ये जो स्कूल है वो रोड पर चलते हैं, इसलिए हमने रोड के बच्चों से मैसेज देने की कोशिश की कि जो बच्चे अनसमझ है उनको समझ नहीं है, फिर भी ये मैसेज देने को और एक प्ले करने को तैयार हो गए। तो बाकी भी उनकी बातें सुने और समझे, और आज हमारी पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस मीरा भाईंदर वसई विरार से लेके और पूरे भारत में ये मैसेज चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ हमारे जैसे समाज सेवक, हम आम जनता और ऐसे कई एनजीओ ने मिलके ऐसा मैसेज देना चाहिए कि हर पब्लिक के पास टाइम नहीं है कि हम खड़ा रहे देखे, पर जब ऐसे मैसेज फॉरवर्ड होते हैं तो 100% शायद नहीं, पर मेरा मानना है कि 70% तो मैसेज को फॉलो करेंगे और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप ये रूल्स फॉलो करें और करवाएं लोगों से, और अपनी सुरक्षा खुद रखें और दूसरों को भी सुरक्षित बनाइए। हम सुरक्षित तो हमारा घर सुरक्षित, घर के साथ समाज सुरक्षित और समाज के साथ देश सुरक्षित, यही हम सबका नारा है कि सुरक्षा रहनी चाहिए। धन्यवाद। आज रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक रखा गया था, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये घोषवाक्य है 32वें रास्ता सुरक्षा अभियान 2021 का, जिसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए लोगों तक सड़क सुरक्षा के अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए और अपघातों की संख्या कम करने के लिए। तो उसी का एक पहलू था, जिस जो स्ट्रीट स्कूल के बच्चे हैं वो शांति सेवा फाउंडेशन की मदद से वो स्कूल चला जाता है उनका, उनके उन्होंने एक ड्रामा बिठाया था, पथनाट्य नुक्कड़ नाटक बोलते हैं हम हिंदी में, तो उसमें उन्होंने अपने अभिनय के जरिए और प्रसंग दिखाकर बताया कि किस तरह हेलमेट पहनने की, मोबाइल पे गाड़ी चलाते हुए बाइक पे बात करने की आदत हमको जानलेवा कैसे साबित होती है, या दारू पीकर गाड़ी चलाते तो अपने परिवार पर क्या बीत सकती है, उसकी एक झलक उन्होंने कुछ मिनटों में हमें जो दिखाई समाज को, अप्रतिम अभिनेता। दूसरा एक सवाल था कि कभी कभी नाके पे 6-6, 8-8 महीने से गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनका कोई माई बाप नहीं रहता, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है माननीय पुलिस आयुक्त श्री सदानंद जी दाते सर और अपर पुलिस आयुक्त एस जयकुमार सर के निर्देशानुसार हम लोगों ने ऐसी लावारिस गाड़ियों को उठाना चालू कर दिया है। महापालिका के सहयोग से एक जगह पर गोडाउन फिक्स किया गया है, उसमें वह लावारिस गाड़ियाँ रखी गई है। अभी कुछ दिनों तक वो नोटिस भेजकर मालिकों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, यदि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो उनकी नीलामी जाहिर रूप से की जाएगी।